श्रद्धा के हत्यारे के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन। आरोपी आफताब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की उठाई गई मांग। जिस किसी ने भी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना उसकी रूह कांप उठती है। श्रद्धा के हत्यारे आफताब को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की हर तरफ से मांग उठ रही है। वहीं मंगलवार को शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स संस्था ने प्रदर्शन कर कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धा की आत्मा की शांति के साथ आफताब पूनावाला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई। साथ ही देश के साथ प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग उठी। डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट संस्था के सदस्य ने कहा कि देश भर में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनकी हत्या करना आम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन और कैंडल मार्च के जरिए उनकी संस्था देश भर में लव जिहाद को रोकने का संदेश दे रही है। साथ ही उन्होंने देश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की है। देखिए, जिस तरह का ये प्रकरण हुआ है, जिस तरह का ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, उससे पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। और हिमाचल में भी जगह जगह इस बारे में जन जागरण हो रहा है। हमने आज ही उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक लगभग 2000 हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित एक ज्ञापन सौंपा है। डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एक हमारी गैर राजनीतिक एक एनजीओ है, उसके माध्यम से हम हमेशा अपने जो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। ये श्रद्धा का मामला भी एक ऐसा मामला है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की जो जनता है इस बारे में जागरूक हो और आने वाले समय में इस तरह का कोई प्रकरण ना घटे, इस बारे में हम लोग आज ये जागरण जन जागरण कर रहे हैं। ऐसे मामलों में किस तरह की इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच और विवेचना हो और जो पुलिस है निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच करे और शीघ्र इस मामले में सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए मामला कोर्ट में पेश करें। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।